के यहाँ पे डीएम से रिटावा और उनके फैमिली है यहाँ पे हमारे साथ। देखिए अंकल है जो हमारे भजन सुनते हैं, अंकल के साथ आंटी भी है और भाभी है, भैया लोग हैं और डीएम सर की जो वाइफ है वो भी खाना मैम उड़िया रही है ताकि हम लोग जल्दी से घूम करके हम लोग खाने पे बैठे। और हमारे साथ संदीप अंकल जी हैं और हम लोग अभी उनके घर में घूम रहे हैं। इनका घर इतना बड़ा होता है ना कि हम घूमना क्या बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं बस, हम जितना जितना 5 मिनट में देख पाए। बहुत सारे मोर हैं यहाँ पे, फूल भी बहुत सुंदर सुंदर है चारों ओर। अगर अयाची आए तो उनके इंटरेस्ट के दो डॉग्स हैं, दो डॉग्स हैं, देखते हैं। हाँ देखते, आ गई मैम, हमने सबको इंट्रोड्यूस करा दिया, आप नहीं आए थे। अच्छा मैं बच गई हूँ, आ गई नहीं से मिली, यही हमारे लिए खाना और आ रही थी। डीएम सर की वाइफ है और ये खुद बहुत अच्छी वोकलिस्ट है और मतलब हम लोग का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा मैच कर गया। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मंथली आई है, सभी लोग इनके बहुत बड़े फैन हैं और मुझे आशा है कि इटावा में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अभी तो हमारा दिन बहुत काफ़ी अच्छे से शुरू हो गया, हम लोग इतना अच्छा। हमारे बिल्डिंग अभी भी ऐसा नहीं बनती और बिना सीमेंट के, खाली सूखी चूना, खाली सूखी चूना पे है, खाली सूखी, बिल्कुल लोहा नहीं है, कोई गार्डन नहीं, कोई नहीं, कोई छड़ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ना कह दो कि एक फोटो खींच दो, दो फोटो खींचने के बाद हो गया, रहने दो, हमको नहीं। हमारे गांव में उसका नाम गंगिया है, मतलब गंगा है तो गंगिया बोलते हैं। हाँ वो आप लाइव आई थी तो हमारे ग्रुप में वो आया, तब पता चला कि आप पहुंच चुकी हैं, तब हमने झटझट झटझट के दो घंटे पता चला आप 9 आवर्स की जर्नी करके आ रही हैं। मैं लाइव आते हुए ना अपना मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, इतनी गंदी भयानक लग रही होती है ना, लेकिन 10 बज चुका होता है, मेरे पास समय नहीं होता कि थोड़ा मुंह ठीक करूँ, 10 बज गया लाइव होना। ये स्ट्रॉबेरीज है, टेस्ट करना चाहेंगे एक स्ट्रॉबेरी आपको, मैंने देखा भी नहीं है कभी स्ट्रॉबेरी, कैसे सामने से कभी नहीं देखा, कल दो तो हम ही ले चुका है, यहाँ पे लगी हुई है छोटी सी। स्ट्रॉबेरी हम लोग जतन करके छुपा के रखते हैं, ये एक्चुअली गेम भी है, ये तो अभी कच्चा था। सब मिल करके इनका स्टाफ पूरा अच्छा काम करता है, ऐसा लोग अच्छा करते हैं बहुत, मतलब ऐसे मैंने शकरकंद की पूड़ी नहीं खाई थी पहले। बनाता है नो।
युवती सिंह बेटा एक बार तुम यार थोड़े कुछ मान सम्मान रख लो मान सम्मान रख नहीं नहीं कि बैठ के थोड़ा हेलो हेलो कर ले आपको नहीं पसंद है ना हेलो हम गाय रखते हैं वो उनकी फेवरेट है बच्चिया मेरा भी निकाल दो मेरे पास नहीं है बिटिया को मैंने देखा सिर्फ टीवी पे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के नए ब्लॉग में ऋषभ ठाकुर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर इसका भी बोलना है क्या बोलते जा तो हम हैं आज इटावा में इटावा महोत्सव के लिए और आज सुबह से यही सब हुआ है हम लोग एक्चुअली रात को यहाँ पे पहुंच गए थे 8:30 बजे के आसपास और दिल्ली से यहाँ आने में हमें 8:30 घंटे लग गए और बीच में बहुत सारा फॉग भी मिला था शाम के समय लेकिन हम लोग कैसे भी करके पहुंच गए रात भर आराम किया सुबह उठे उसके बाद लंच करने के लिए हम लोग दोपहर तक गए थे डीएम सर के यहाँ पे इटावा के जो डीएम सर हैं अवनीश सर जी और उनकी फैमिली से मिले और उनका घर देखा हमने और उसके बाद हम आकर के थोड़ा आराम किए और फिर रेडी हो गए और अभी बज रहे हैं 8:00 हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले हैं स्टेज पर ये और सभी लोग इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं कि आपका इंतजार कर रहे हैं आप लोग कब आएंगे बस हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर और मैं कैसी लग रही हूँ आज की स्पेशल ऑर्गेन्जा टिश्यू साड़ी मैंने पहनी है थैंक यू दीपशिखा जी ये साड़ी भेजने के लिए तो अभी हम लोग बस स्टेज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ के दो SDM सर नाम भी ऑफिसर है यहाँ पे सारे ऑफिसर बहुत यंग हैं देख के लगता है कि सब हमारे डीएम सर से भी आप मिले मतलब सब लोग इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ का माहौल थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे स्टेज पे इससे पहले फिर फोटो खिंचा लेते हैं तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से वेन्यू की तरफ जो समा आपने बांधा है मुझको लग रहा है कि जितने हमारे कंपनी का जितने वर्ष हुए होंगे उतनी लगभग आपकी एज होगी तो हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस गायकी से आपके इस फंड से भारतवर्ष का नाम आपको भविष्य में रोशन करेगी
आज इटावा प्रदर्शनी के इस मंच से यही कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए और इतनी सर्दी में इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाती हैं उसके लिए पूरे इटावा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर खाइयाँ बांटने का मौका आएगा, अगर दिलों को जोड़ने का मौका आएगा तो पूरी जिम्मेदारी कार्ड पे आएगी और आप जैसे लोग जैसा कि इसकी साहब ने कहा, पूरे इटावा की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप जीवन में आगे बढ़े और एक दिन ऐसा हो कि हमारे देश का नाम आप जैसे कलाकारों की वजह से जाना जाए और हम सब उस समय भी आपको इस तरह से अप्रिशिएट करते रहे। आज यहाँ आने के लिए और इस परफॉर्मेंस के लिए आपका, आपके साथ जो पूरी टीम है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अब कहता हूँ दो शब्द आप दोनों में प्लीज थोड़ा थोड़ा सा आशीर्वाद करूँगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस हम वापस होटल रूम में पहुंच चुके हैं और हमारा खाना भी आ चुका है। जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, मतलब रात में ही निकल जाएंगे क्योंकि हमें मुंबई पहुंचना है। तो हम कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, सुबह तक बढ़िया यहाँ से रात में पहुंच जाएंगे आराम से। कल दिन भर रेस्ट करेंगे और परसों शूट है हमारा एक, तो उसमें बिल्कुल फ्रेश दिखेंगे। तो अपना खाना पीना आ चुका है और यहाँ पे मैंने कल चाय पी थी, अंकल इतना टेस्टी बना देना चाय यहाँ का, तो मैंने अंकल से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक कप चाय हो जाए। तो अंकल चाय लेके आए हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं ठीक है। और सब कुछ पैकिंग वगैरह चल रहा है, अभी दीदी सारी पैकिंग कर रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी होगा काफ़ी, लेकिन एक्सप्रेस वे हाईवे वे बिल्कुल आराम से पास हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। बस दिल्ली से याद आया मेरे को टिश्यू पेपर ला के दे जल्दी। बहुत ठंड है यार जी, धुंध भी है अभी। अगर देखो अगर वो नहीं करोगे ना तो दूसरा चीज़ क्या होगा, तुम सीधे खड़े होगे, तुम्हारी जबड़े जो है, मेरा हाथ हिल रहा भाई। गाइस भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो हम रुक गए यहाँ पे 24/7 पे अपना बढ़िया पैक भर के, पैकेट भर के सामान ले लिया खाने के लिए। अब चलते हैं घर की ओर, बस थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। अरे कुत्ता हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तब से पीछे पीछे लगाए हैं। तो गाइस अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। 7:30 बजे घर पहुंचे थे और घर पहुंचते ही मैं एडिटिंग करना चालू कर दिया और फाइनली मेरा ब्लॉग जो आप ये देख रहे हैं प्रॉपर एडिट हो चुका है। मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतनी जल्दी कैसे व्लॉग एडिट कर दिया, मतलब पूरा व्लॉग एडिट है। तो गाइज इस बात पे लाइक हो जाना चाहिए, रात भर सोए नहीं, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और जल्दी से व्लॉग एडिट करके पूरा अपलोड कर दिया। तो बस अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और जो जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे भी इसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।